अच्छा भैया एक बात बताओ, बिल्कुल सच्ची सच्ची बतायो, आप पढ़े लिखे कितना हो? पढ़ लिया साहब और लिखा कुछ नहीं। नहीं, हमने कहा मतलब रहा है कि आप पढ़ाई कहाँ तक किया हो? स्कूल तक? नहीं, आप बात का हमने समझत नहीं। नहीं, आप समझत नहीं हो हम कहा चाहते। हम ही पूछे चाहते कि आप कौन क्लास तक पढ़े हो? नहीं, हम अपने स्कूल के हर क्लास में जाए पढ़ा है। हाँ, कौन क्लास हम छोड़ा नहीं है। मतलब नहीं समझ पावा हम। भैया ऐसा है ना कि आपका समझावे के लिए हमका विस्तार से सारी बात बतावे पड़ी है, तब भाई आपके दिमाग में बात बैठी है। तो भवाई, अच्छा? कि हमरे मन जो है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगत रहा है का, खेलाई में ज्यादा पढ़ाई में कम मन लगत रहा है। वो गिल्ली डंडा खेले और शेर पहितिया खेलो और चिड़िया चगोर खेलो, यह सब खेल रहा है तो पढ़ाई में मन कम लगत रहा है और खेलाई में ज्यादा मन कहत रहा है। तो हम स्कूल से जब निकल रहे तो घर वाले समझे कि स्कूल में बैठे हैं और हम लोग वहाँ बगिया में शेर डंडा खेला जाता रहा है। फिर का बा? तो स्कूल में जब कभी गयन तो मास्टर लोग इतना तंग हो गए रहे, गुरु जी इतना तंग हो गए रहे कि वो एक क्लास में ले जाकर हमको बैठा ही दिए। और मन तो पढ़ाई में लगत नहीं रहा, तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा उदरता सूझे तो कुछ बदमाशी हुई जाए तो गुरु जी आवे पछवाड़े दो डंडा लगावे और कान पकड़ के दूसरे क्लास में ले जाए के और पीछे की सीट पर एकदम बिठाई दिए। अब आप सोचिए पीछे की सीट पर कहे बिठा होता है, कहे से हम है बहुत भाग्यशाली। गुरु जी के निगाह या तो पहली सीट पर ज्यादा पड़ा थी या तो आखिरी सीट पर ज्यादा पड़ा थी, तो हम आखिरी में बैठे रहते हैं तो उनके निगाह हमारा हाथ रहन। जैसे थोड़ी सी भी कोई बदमाशी हुए, गुरुजी आवे पछवारे दो डंडा लगावे और कान पकड़े ले जाए के दूसरी क्लास में बिठा लिए। यह तरीके से हम कोई क्लास छोड़ा नहीं, थोड़ी देर यही क्लास में, थोड़ी देर यही क्लास में, थोड़ी देर वही क्लास में, थोड़ी देर वही क्लास में, हर क्लास में बैठ के हम पढ़ाई किया है। यही लिए इतना टैलेंट हमारे अंदर भरा पड़ा है। ये भगवान, न जाने कैसे कैसे आदमी से पाला पड़ जाता है, समझ ना ही आवत है कि कौन कौन से दिमाग के आदमी धरती पर पैदा भए हैं भाई।